हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है मिशन सरगर दामाद से दिनेश टेक्निकल क्लासेस नाम रखा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इसमें अब मैं टेक्निकल की क्लासेस स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, इसलिए मैंने इसी का नाम ये चेंज किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है CPRI का जो पिछली बार पेपर हुआ था उसका जो आंसर की था उसके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो हाल ही में 31 जुलाई को पेपर होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीमी पैटर्न से आए थे, तो आप उसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? तो इसका है शुष्क पाउडर अग्निशामक जो होता है उसमें कांटे के आकार का नोजल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल केवल आधे गोले आकार में उपलब्ध है? तो इसका राष्ट्र कट है जो आधे गोले में होती है, डबल कट में डबल लाइन होती है, सिंगल कट में सिंगल लाइन होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन, विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र है? तो इसका यह है कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप इसका सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है? अगर उपयोग में नहीं होता तो इसका राइट आंसर तो शून्य होना चाहिए, क्योंकि उपयोग में नहीं रहेगा तो वो शून्य पर रहेगा, लेकिन इसमें उन्होंने पैमाने पर कहीं पर भी वो कैसे रह सकता है? तो इसका ऑब्जेक्शन डला होगा, ऐसी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन जो पिछले का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है? तो इसका लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित संधारित्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर वायु संधारित्र, इसका राइट आंसर है, क्योंकि परिवर्तित संधारित्र में वायु संधारित्र होता है, वायु संधारित्र या जिंक संधारित्र भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो PPE किट दे रखा है उसका नाम बताना है हमें, तो ये है ERMF के साथ हेल्ड शील्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो लेगिंग पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है? तो जीरो लेगिंग लोड पर डीमैग्नेटाइजेशन करना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डीमैग्नेटाइज करना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है उसका, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि ग्राउंडेड करना होता है, हीटिंग एलिमेंट को ग्राउंड करना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें RX दे रखा है, तो ये मतलब कौन सा वाट मीटर दर्शाया गया है? तो इसमें देखते हैं हम, इसमें तीन एलिमेंट तो दे रखे हैं और चार धारक दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 ये तार दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का ये RX दिखाया गया है। नेक्स्ट है, इसमें भी RX वाला क्वेश्चन है, ये तारों किस स्थान पर लागू किया गया है? तो ये होस्टल का RX दे रखा है, होस्टल का दे रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध का मापने के लिए मेगर होता है जो 1 मेगा ओम तक माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं? तो इसका है ध्रुवीयता परीक्षण, पोलराइजेशन टेस्ट इसका किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग डैश है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज है, तो इसका ये 1.2 होगा इसका 50% चार्ज का, क्यों अधिकतम होता है 1.28 होता है, 1.25 से 1.28 के बीच में होता है इसका, ठीक है, ये सेल के चार्जिंग पोजीशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित
किया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे तुल्यकालिक संधारित्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 स्टेटर स्लोट वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करें जिसमें से 1 से 8 तक के कॉल स्पेन वाले 4 पोल हों। तो इसका ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दे रखा है ये 0.89 हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग के 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्सर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है? तो ये धारा 3 जो है इसका, ये सभी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्कशॉप की सफाई और रखरखाव के 5S दृष्टिकोण में सिट श्योर शब्द का सही अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है सेल्फ अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ 1 वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार या डेल्टा में जुड़ा होता है? तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इसे 7 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है? तो इसका वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज का क्या होता है? V = IR। तो हम ये करेंगे तो 147 वोल्ट आ जाएगा इसका। डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन का क्या उद्देश्य है? इसका लेमिनेशन का ये होता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन आर्मेचर कोर लेमिनेशन की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर गैस आयनीकरण प्रभावों को कम करने के लिए हम फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोज के फेज वायर के किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है? तो ये जंक्शन बोल के साथ लूपिंग आउट के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी और एसी जनरेटर किस एक महत्वपूर्ण मामले में समान है? दोनों आर्मेचर कंडक्टरों में वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दोनों ही ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, तो ये इसमें समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो वाष्पीकरण तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत प्रवाहन बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नेटाइज्ड ऑक्साइड सिलेंडर का उपयोग करते हैं? तो एल्कलाइन सेल का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों कैलकुलेटर और अन्य लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अक्सर किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र प्रणाली द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के घूर्णन के कारण होने वाले नुकसान का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर है कोर नुकसान। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन थे आज। अगले वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का भी करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।